फिर मुर्दे को ले गए शमशान में, तो वहाँ कहाँ रखेंगे? ज़मीन में। जब तक चिता तैयार नहीं होती कहाँ रखा उसे? ज़मीन में। अब मिट्टी में मिट्टी हो रहा है, सब लोग घूम रहे हैं, धूल मिट्टी सब उसके ऊपर पड़ रही है, पर अभी भी मक्खी हटा रहे थे। प्यार है ना, ममता होती है। फिर जब रखा उसको चिता पे, और जब लगाई आग उसके पुत्र ने, मुखाग्नि जब दी, अब तो कोई मक्खी नहीं हटाएगा, अभी भी हटाएगा कोई क्या? ना, अब आग लग रही है उसको, आग लग रही है, और जो सूखी घास उसके ऊपर डाली गई वो सब उसके मुंह पे है, लकड़ियाँ रखी गई हैं सब उसकी छाती पे हैं, छोटे छोटे टुकड़े उसके हैं, खोपड़ी के साथ साथ लगाए गए, क्योंकि खोपड़ी थोड़ा मुश्किल से जलती है, हार्ड होता है ना बहुत, स्कल हड्डी बहुत सख्त होती, तो लकड़ी के इतने इतने टुकड़े उन्होंने खोपड़ी के साथ रखे, सर के साथ रखे। अब थोड़ी देर पहले देखो मक्खी हटा रहे थे, रजाई उड़ा रहे थे, पर जैसे ही चिता में डाला अब अपने ही हाथ से उसके ऊपर सूखी घास डाल रहे हैं, लकड़ी डाल रहे हैं, और ज्यों लगी आग और आग मच गई तो घर वाले भी पीछे पीछे हट गए। क्यों? अब सेक लगता है ना, कष्ट होता है, सब पीछे 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 हो गए, दूर दूर खड़े खड़े रो रहे हैं, पर जो जल रहा है उससे तो मोह ममता कितनी देर तक रखेंगे, कब तक रोवेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं जो भजन न करेगा तो तामुख धूल परी, तो सिर्फ धूल पड़ेगी उस मुख पे और कुछ भी नहीं पड़ने वाला। और मुख तो भाई हर मनुष्य का ऐसा ही है कि अंत घड़ी में तो शरीर मिट्टी में मिट्टी होना ही है, इसलिए साहब कहते हैं कि इससे पहले तेरी ये जुबान मिट्टी की हो जाए, तेरा शरीर मिट्टी का हो जाए, अपनी जीभा पर प्रभु का नाम ले आओ, अपनी जुबान पर हरि का नाम ले आओ। उठते बैठते चलते फिरते देखिए, आपको जिस नाम में भी श्रद्धा है, भले वो कुछ हो, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यही एक नाम हो, जो नाम में आपको श्रद्धा है, जिस परिवार में पले हैं, जिन संस्कारों में पले हैं, तो उस मंत्र उस नाम के प्रति रुचि हो जाती है। कोई बात नहीं, सब प्यारे हैं, सब प्यारे नाम हैं, पर एक नाम जो है तुम्हारी जीभा पे चलने लग जाए। और मान लो, मैं उदाहरण ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो आपने मंत्र लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस जीव पर ये मंत्र सारा समय चलता रहेगा उसी जीव पे तुम गाली नहीं रख सकोगे, रख सकोगे क्या? जिस जीव पर ओम ओम चलता होगा उस जीव से झूठ कैसे बोलोगे तुम? मन में तमोगुण होगा तो हो सकता है कुछ देर मंत्र भी करते रहो और झूठ भी बोलते रहो, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, माला भी फिरते, झूठ भी बोलते, इसे कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, वो भी चलता है। पर जैसे जैसे मन की मैल दूर होती जाएगी, जो सत्संग से होगी, जो सेवा से होगी, जो अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करने से होगी, तो जैसे जैसे मन निर्मल होता चला जाएगा वैसे वैसे मुख में मंत्र करने की अवधि बढ़ जाएगी। द ड्यूरेशन टू डू द मंत्र विल इंक्रीज। The more mantra you will do, the more your mind will feel joyful. जितना मन यह भजन में लगने लग जाएगा उतना उतना मन के अंदर आनंद बढ़ने लग जाएगा, और धीरे धीरे ईश्वर कृपा से, सद्गुरु कृपा से ये भी संभव हो सकता है कि आप सोने को लेटे हैं, शरीर तो सो गया है, और जहाँ नींद खुली तहाँ मंत्र अभी भी चल रहा है। जैसे ये बड़ी प्यारी स्थिति होती कि आप सोएं और जब नींद खुली, अभी आंख नहीं खुली, नींद खुल गई और मन में मंत्र चल रहा है अभी भी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, फिर इसकी दूसरी स्थिति है कि आप दिन में तो मंत्र चलता ही चलता है, लेकिन रात जब आप सोए सपना आया तो सपने में भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सपने में भी मंत्र ही चल रहा है। कबीर जी का एक दोहा सुनाती हूँ, साहब कहते हैं सपने हूँ बरड़ाए के जह मुख निक सेरा, सपने सपने हों बरड़ाए के, जय मुकनिक से राम। ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम, ताके पग की पान ही मेरे तन को चाम। सपने हूँ बरड़ाए के, जय मुख निक से राम। सोते हुए में कोई बड़बड़ाए और उसके मुख से राम निकल जावे तो कबीर कहते हैं मैं अपने शरीर की चमड़ी का जूता बनाऊं और उसके चरणों में डाल दूं। कैसा प्रभु भक्त है कि नींद में भी राम निकलता है इसके मुख से, नींद में भी प्रभु का स्मरण होता है। कितना जप किया होगा इसने, कितना भाव का गहरा गोता लगा लिया इसने कि रात्रि नींद में भी लोग देखो जो दिन में करते हो ना कारोबार, रात सपने में भी वही करते। जैसे दिन भर कपड़ा बेचते हैं तो सपने किसके आएंगे, कपड़े के। दिन भर कोयले का काम करते हैं, कोयला बिक्री करते हैं तो रात सपना क्या आएगा, ग्राहक आ गए हैं, कोयला नहीं है या कोयला बहुत सारा पड़ा है और ख़रीदार कोई नहीं है। जैसे स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या सपने आते हैं कि इम्तिहान है और कलम नहीं चल रही, उनको यही सपने आते रहते। या वो इम्तिहान में बैठे हैं, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं और उनको एग्ज़ामिनेशन पेपर ही समझ नहीं आ रही तो वो लिखे क्या, या लिखना चाह रहे तो आंसरिंग शीट ही खत्म हो गई है। अब मन में जो चलता है दिन भर, रात सपने हमारे वैसे ही होते हैं। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन सो रहा था तो सपने में उसको एक आवाज़ आती है कि 95 रुपये ले ले। मुल्ला कह रहे नहीं 100 लूँगा। आवाज़ आ रही नहीं 95 देंगे। बोले नहीं मैं तो 100 ही लूँगा। नहीं 95 देंगे। बोले 100 ही लूँगा। इतने में नींद खुल गई। मुल्ला की बीवी गुलजान कहती क्या हुआ मुल्ला। मुल्ला ने झट से आंख वापस बंद करी, कहते चल 95 ही दे दे। अब भाई सपने की बात, आंख खुल गई, सपना खत्म, ना 95 ना 100, कुछ भी ना मिलेगा। अब तो जो पैसा 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 करे तो सपने में भी पैसा ही दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा। और साहेब कबीर कह रहे हैं कि सपने में जिसको, स्वप्न में भी यही आ रहा है कि वो कीर्तन कर रहा है, वो राम गा रहा है और सोते सोते में भी उसकी जुबान बड़बड़ाए और मुख से राम निकलता हो। तो ऐसे देखिए श्रेष्ठ भक्त के लिए हमारे साहब सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी चमड़ी का जूता बनवा के उसके पाँव में डाल दूं, क्योंकि ऐसा भक्त तो कहाँ मिलेगा। दिन में तो राम सुमिरता ही है, नींद में भी सुमिरन हो रहा है, और जिसको नींद में भी राम सुमिरन हो रहा है, पक्की बात जानिए मृत्यु की घड़ी में भी राम ही आवेगा याद। न बेटा न बेटी, न घर, न लेना न देना, उसको कोई चीज़ सताने वाली नहीं। राम कि प्रीति उसके अंदर इतनी भर जाती है। अब हम अपने आप को थोड़ा सा तो भजन करने की तरफ लगाएं। समय निकालना चाहिए, बैठ करके उपासना करेंगे प्रभु की तो क्या मिलेगा। किसी ने पूछा, मैंने कहा अगर मिलने मिलाने की बात करोगे तो मैं कहूँगी कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे यह मिलने मिलाने की क्या बात हुई। जो मेरे प्राणों का आधार है, जो मेरा सर्वस्व है, ऐसे प्रभु का स्मरण करने के लिए मैं वापसी में कुछ फल चाहूँ तो मेरे से ज़्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्या मिलेगा जी मेरे को वापसी में। अरे तुमको चाहिए क्या, जिसको वो मिल गया उसको और क्या चाहिए, उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी लोगों को समझ नहीं होती है तो अज्ञानतावश वो ऐसी बात करते हैं। सच तो यह है कि जिसको परमात्मा से प्रीति हो गई, जिसको उसके नाम का रस लेना आ गया, जिसको उसके नाम का अमृत पीना आ गया, उसके मन से कलह कलेश सब खत्म हो जाते हैं, राग द्वेष सब मिट जाते हैं और मन इतना शांत और उपरामता में चला जाता है कि मन से भूख मिट जाती है। सब मन भूखा नहीं रहता है, मन भिखारी नहीं रह जाता है, मन तृप्त हो जाता है और जिसका मन तृप्त है वही राजा होता है। पंजाबी भाषा में जो तृप्त हो उसको कहते हैं रज हो गया या रजया गया। तो अगर हम इस शब्द को पकड़ें, जिसके अंतर परमात्मा का सुमिरन आता है उसके मन का रज हो जाता है और जिसके मन में यह तृप्ति अथवा यह रज आ जाता है वो राजा हो जाता है। देखिए, आज हम आपको राजा या रानी बनने की तरकीब सिखा रहे हैं। किसी बाहर रियासत की ज़रूरत नहीं, किसी मुकुट की ज़रूरत नहीं, किसी सेना की ज़रूरत नहीं, किसी वजीर मंत्री की ज़रूरत नहीं, किसी महल की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन के अंतर प्रभु नाम की तृप्ति लाइए, मन का हो गया रज तो तुम हो गए राजा। और इस पृथ्वी पर तुम दास बन के जीना चाहोगे कि राजा बन के जीना चाहोगे, चुनाव तुम करो, चुनाव तुम करो। आज तो भाई दास बन के जी रहे हो, सारा समय रोते रहते हो, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अफसोस है जिंदगी आज। लेकिन ये अफसोस को दूर करना है तो उसके लिए पदार्थ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। सच जानिएगा, अगर पदार्थों से तृप्ति हो जाती तो बुद्ध कभी अपना महल त्यागते नहीं, सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र, प्यार करने वाला पिता, प्यार करने वाली माता को कभी वो त्यागते नहीं। अगर पदार्थों से, धन से, संपदा से, महल से तृप्ति मिल सकती तो महावीर स्वामी कभी घर नहीं छोड़ते, कभी नहीं फकीरों का भेष लेता कोई। अगर संसार की सुख संपदा हमको वास्तविक और असल तृप्ति दे सकते, जिसके पास फिर असल तृप्ति नहीं है ऐसा व्यक्ति हमेशा दीनहीन रहता है, दुखी रहता है। और मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा जीवन बड़ा कीमती है, इसको रो के क्यों जिए, दीनहीन हो के क्यों जिए। क्यों ना हम अपने मन में कीर्तन को लाएं, क्यों ना हम अपने मन में प्रभु के प्यारे नामों को लाएं, मंत्र उपासना को लाएं और मंत्र उपासना करते करते आंतरिक सुख की अनुभूति कर, आनंद की अनुभूति कर, तृप्त होकर, राजा होकर के ऐसा जिए ना। तो जब ये ऑप्शन हमारे पास है तो हम क्यों नहीं इस चुनाव को करें, क्यों नहीं हम अपने जीवन को आनंद से भरें। मैं फिर कह दूं, संसार जिस पदार्थ से बना है ना वो टूटने छूटने मिटने वाला है। भौतिक चीज, एवरी मटेरियल थिंग will degenerate, will die one day। तो कोई भी संसार की वस्तु हमको स्थायी सुख नहीं दे सकती है, अनंत सुख नहीं दे सकती है। परमात्मा स्वयं अनंत स्वरूप है, सनातन है, आनंद रूप है। तो जब हम उसका स्मरण करते हैं तो परमात्मा का ये दिव्य आनंद हमारे भीतर भर जाता है और जब मन में आनंद भर जाता है तो सच जानिए जीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। क्योंकि जीवन जीने की कला जिसको आ जाती है वो कभी ज़िंदगी में देखिए, कभी ज़िंदगी नीचे को जावेगी, कभी ऊपर जावेगी, कभी प्रॉफिट होएगा, कभी लॉस होएगा, कभी कोई शत्रु कर हो जाएगा, कभी तुम्हारा कोई मित्र बन जाएगा। ज़िंदगी का तो ये खेल ऐसा ही चलना है। लेकिन इन उतार चढ़ावों में हम सम अवस्था में रह सकें, उसके लिए एक बहुत सहज साधन है भजन करिए। भजन शब्द हम कैसे लिखते हैं हिंदी में? भ-ज-न। अब इसको आप थोड़ा संधिच्छेद करिए, भज अलग करिए, न अलग करिए, भज न तो माने दौड़ना। मन दौड़े नहीं, मन भागे नहीं, इसके पीछे उसके पीछे मन भागे नहीं और मन टिक जाए, उसी को भजन कहते हैं। भजन मतलब गाना नहीं होता है, भजन मतलब मन का टिक जाना होता है। जब ही मन टिक गया तो समझो तुम्हारा भजन शुरू हो गया। और फिर ये कहना ही पड़ता है, जब मन टिक जाता है तो आनंद शुरू हो जाता है, और जब आनंद शुरू हो जाता है तो इस आनंद का अंत नहीं होता है प्यारे। यूं समझो आप रसमलाई खा रहे हैं, हाँ देखो भाई बंगाल में आएंगे तो मीठी मीठी मिठाइयों के नाम तो लेने पड़ेंगे, है ना। तो हो सकता है ना कि इससे जो मैं बात कहना चाह रही हूँ आप जल्दी जल्दी समझ भी जावे। आपको कोई बहुत बढ़िया रसगुल्ला खिलावे, 2 खिलाए 3 खिलाए 4 खिलाए, बड़ा मज़ा आ रहा है एकदम, हाँ नरम नरम मुंह में डालो और गप अंदर जावे, ऐसा बढ़िया। सबको नहीं बनाना आता इतना अच्छा, कोई कोई जानते हैं। अच्छा छेना गाय के दूध का हो, अच्छा मला हुआ हो, और फिर अच्छा बनता है। आपको स्वाद आ रहा है, खिलाने वाला प्यार से खिला रहा है, आप 4 खा गए, सामने वाले ने कहा एक और खाओ ना, मनुहार करे तुम्हारी, तुमने कहा चलो एक और दो, 5 खा गए, बोले एक और, तुम्हारा हाँ तो बस नहीं, और नहीं खा सकते, अच्छा चलो खाओ ना एक तो एक और खा ली। 10 खिला दे कोई, 11 12 15 कितने खाओगे? एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब लगेगा आप और नहीं खा सकते, है तो बहुत बढ़िया, बोले लो ना, बोले ना 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 अब नहीं खा, अब खाएंगे तो वमन हो जाएगा, नौजिया हो जाएगा, अब नहीं हम खा सकते, बोले नहीं खाना ही पड़ेगा। फिर वो तलवार ले आवे, डंडा ले आवे, खाना ही पड़ेगा, अभी कह रहा था ना स्वाद खाओ, अब तो खिला के रहेंगे। तो जिस रसगुल्ले को खाने में सुखा रहा था ना, वही रसगुल्ला दुख का कारण बन जाएगा, और फिर तुम कहोगे भाई हाथ जुड़ा ले, पैर पड़ता हूँ, और मत खिलाओ, अब हम और नहीं खा सकते हैं। मतलब खाने की जिस चीज़ से सुख आ रहा था, वही खाने की चीज़ से फिर दुख हो जाता है। नहीं मिला फिर चला गया। अभी जब शादी करते हैं कितनी खुशी हो रही होती है, दूल्हे का ऐसा वजन बढ़ जाता है 2-5 किलो, खुशी के मारे के शादी हो रही है, शादी हो रही है, बड़े खुश होते, सुंदर पत्नी मिल जावे, और गोरी चिट्टी मिल जाए तो और भी प्रसन्नता होती, काली किसी को नहीं चाहिए। आज तुम ये भूल जाते हो हमारे श्री कृष्ण प्यारे सांवरे थे, गोरे नहीं थे वो, और उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में थोड़ा अकल की कुछ लोचा है, थोड़ी कमी है, थोड़ा ढीला है, हाँ तो गोरा चाहिए, गोरा चाहिए। वो अंग्रेज़ों की गोरी चमड़ी देख देख के ना आज भी वो गुलामी निकल नहीं रही खोपड़ी से, अभी भी गोरी चमड़ी चाहिए, गोरी चमड़ी, और मिल जावे कोई तो बड़े खुश होते हैं। मेरी कलावती, मेरी सौंदर्यवती अप्सरा जैसी मेरी पत्नी, बड़े खुश होते। एक सज्जन बोल रहे थे, जब मैं ब्याह के लाया था तो चंद्रमुखी चांद जैसी सुंदर, दिल को शीतलता देती थी, इतनी प्यारी थी, कहते 2-4 साल के बाद ये तो बन गई सूरजमुखी, ताप लग गई देने, डर लग गया घर जाने में, और बोले फिर शुरू हो गए जो झगड़े सास बहू के। तो फिर तो समय ऐसा आ गया, ना ये चंद्रमुखी रही, ना ये सूर्यमुखी रही, ये तो ज्वालामुखी हो गई, बम फोड़ती है। अब तो कोई नाम ले ले कि तेरी पत्नी आई तो मेरा तो हालत ख़राब हो जाती है, कि अभी तो मैं माँ घर से कैसे कैसे भाग करके निकला हूँ, ये फिर मेरे पीछे पीछे कहाँ से आ गई। जो पत्नी चांद जैसी प्यारी लग रही थी, वही पत्नी से अब उतना सुख नहीं मिलता है। तो संसार के जो सुख हैं वो मिलने के बाद कम होने लग जाते, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। The quality of the joy is going, decreasing, lesser and lesser. क्योंकि संसार घटने वाला है, लेकिन परमात्मा घटने वाला तत्व नहीं है. इसलिए परमात्मा के सुख की कभी कमी नहीं होती है. कभी वो कम होते ख़त्म नहीं होता है. जैसे बाकी सब खाने की चीज़ हो, भोग की चीज़ हो, वो एक समय के बाद आकर के तकलीफ़ देने लग जाती है. लेकिन ऐसा कभी समय ना आवेगा जब आप ये कहोगे कि पहले तो परमात्मा का नाम सुख देता था, अब नहीं देता. जितना पहले देता है बाद में उससे ज़्यादा देता है, और फिर उससे ज़्यादा देता है, और फिर उससे ज़्यादा देता है, और हालत फिर ये हो जाती है. संतों का जीवन जब हम पढ़ते हैं ना, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात आती है, ऐसी ऐसी बात आती है कि दिल झूम उठता है. जैसे कहते हैं नामदेव जी एक बार चल रहे थे गांव में, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और किसी के बच्चे का नाम नारायण होगा. अब बड़ा कॉमन सा नाम है, नारायण होगा. अब वो चले जा रहे अपने धुन में, और नामदेव जी के कान में आवाज़ आई, ए नारायण, ए नारायण. अरे कहाँ गया ए नारायण. माँ अपने बच्चे को बुला रही होगी, माँ लाड लड़ा रही होगी, ए नारायण, ए नारायण कहाँ गया, ए नारायण मैं तेरे बगैर कैसे रहूँगी, नारायण आओ तो, मुख दिखाओ तो. ये बात सुनी नामदेव जी ठन से वहीं के वहीं खड़े हो गए. वो पुकार रही अपने बच्चे को, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ए नारायण को सुना तो चित्त ऐसा आंदोलित हो गया, भाव में भर गए, और नारायण 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 गाने लग गए. और गाते गाते कहते नामदेव जी अपना करताल हमेशा अपने फेंटे में, कमर कस जो होता है उसी में रखते थे, तो नारायण 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 करते पैर चलने लग गए. तो पैरों की थाप पर और करतल की ध्वनि पर नारायण नारायण का जोल हुआ, कीर्तन चालू हुए. अब उनकी आवाज़ सुनी तो आसपास मकानों से लोग निकल के बाहर आए, अरे कौन है जो नारायण का नाम ऐसा मीठे स्वर में गा रहा है. 2 आए 4 आए, जो देखें नामदेव को नारायण गाते हुए, तो वो भी बस खींचे चले जाएं, वो भी लग पड़े, वो भी गाने लग गए नारायण 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 नारायण. वो करते 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 सारा गांव वहीं इकट्ठा हो गया. बीच में नामदेव मस्ती में झूम रहे हैं, और अगल बगल उनकी मस्ती को देख देख मस्त हो रहे हैं सब, और नारायण कीर्तन करते जा रहे हैं सब. ये सभा ऐसी लंबी चली, जो माँ नारायण पुत्र को ढूंढ रही थी वो भी नारायण नारायण गावे, जो पुत्र को ढूंढ रही थी वो पुत्र भी, छोटा बच्चा भी नारायण नारायण करके नाचे. और इस एक बात से जो नामदेव जी की ये कीर्तन सभा चल गई, तो क्या ही कहने, उसके कीर्तन का आनंद लेना हमको आ जावे तो मन सात्विक होने लग जाएगा. और जैसे जैसे मन सात्विक होने लग जाएगा, वैसे वैसे धर्म के रास्ते पर चलना सुखद हो जाएगा. आज प्रथम दिन आपके साथ बैठकर बहुत बहुत आनंद रहा, कीर्तन की महिमा रही, और कीर्तन का सुख क्या है सो वर्णन आपको मैंने किया. और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, ऐसी भावना आप सबके लिए रखती हूँ कि आपके जीवन में ये जो मस्ती नामदेव जी के जीवन में, जो मस्ती संत कबीर साहब के जीवन में, जो मस्ती नाम की मस्ती संत मीरा के जीवन में आई, वह मस्ती का रसास्वादन आप भी कर सकें, उसका प्रसाद आपको भी मिले. इतना ही कहकर वाणी को विश्राम देती हूँ. एक ऐसी विचित्र विलक्षण विभूति, एक ऐसी स्त्री संत जिसके बारे में अधिक लोग जानते नहीं हैं. स्वामी चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई. आपका मूल नाम तो कुछ और था, परंतु गुरु भक्ति, वैराग्य और साधना करते करते सहजता से कब वह स्वयं ब्रह्मवेत्ता हो गई, ये शायद उनको भी मालूम न चला. तो प्रचलित ये हो गया कि सब कहने लगे अरे इसको तो बड़ा सहज मिल गया, इसको तो बड़ा सहज मिल गया सब कुछ। तो यहीं से सहजो नाम प्रचलित हो गया। गुरु भक्ता ऐसी थी ये कि अपनी सब वाणियों में वो पहले नाम अपने गुरु का लाती फिर अपना लाती। जैसे हम मीरा का देखते हैं तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गुरु नानक साहब का देखते हैं तो कहे नानक फिर आगे जो भी है, कबीर साहब का देखते हैं तो कहे कबीर कहे रविदास। ये इकलौती ऐसी संत हैं जो कहेगी कहे चरण दास सहजो भाई, पहले गुरु का नाम अपना नाम बाद में। अक्सर लोग चेला होने से भी पहले गुरु होने की कोशिश करते हैं, चेला भले ना बन पाए गुरु जल्दी बन जाना चाहते हैं। सहजो ऐसी थी कि गुरु पदवी को प्राप्त हो जाने के बाद भी अपने सदगुरु का नाम लिए बगैर उसकी जीभा कुछ बोलती ही नहीं थी। उनके इस अनूठे स्वभाव के कारण उनका जो भी कुछ काव्य है, जो उनकी रचनाएं हैं, मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे भी इस देश में स्त्री संत अंगुलियों पर गिनने को मिलती हैं। तो ऐसे में मेरा थोड़ा ये एक जिम्मेदारी कहती हूँ मैं बन जाती है, क्योंकि यहाँ भी शरीर स्त्री का है, कि जो हो चुकी हैं स्त्री संत हम उनके बारे में भी बात करें। सो आज की जो रचना है देवी कहती हैं हरिहर जपलेरी अवसर बीतो जाए। अवसर माने अवसर, अपॉर्चुनिटी। रे मन हरि को जप, तेरे जीवन का अवसर बीतता जा रहा है। जो दिन गए सो फिर नहीं आवे, कर विचार मन लाए। जो दिन बीत जाता है वो पलट के कभी वापस नहीं आता है। इसको समझो, जानो और अपने जीवन के हर दिन को बहुत सुंदर, बहुत शालीनता से, बहुत अक्लमंदी से, बहुत बुद्धिमता से, बहुत प्रेम से, बहुत विवेक से जीना चाहिए।